YouTube चैनल ऐसे कैसे बनाए? या फ्रेंड अगर आप ऐसे YouTube चैनल ऐसे बनाना चाहते हो तो कैसे आप ऐसे YouTube चैनल ऐसे बना सकते हो? तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से YouTube चैनल ऐसे बनाने के लिए सिखाऊंगा और साथ ही में आपको ऐसे न्यू तरीके से आपको ऐसे बताऊंगा, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो पुराने वाले आज से 5 साल पहले जो यूट्यूब चैनल ऐसे बनता था और जो सेटिंग हुआ करता था उसी तरह से वो सब ऐसे बता रहे हैं, लेकिन YouTube ऐसे बहुत ज्यादा अपडेट किया, बहुत ज्यादा चेंज किया हुआ है, अब बहुत सब चीज ऐसे आसान कर दिया। अब बहुत ही जल्दी आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो और आप अपना YouTube चैनल को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको YouTube चैनल ऐसे बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम है कॉमेंट करें, 100% रिप्लाई मेरी तरफ से मिलेगा आपको। तो फ्रेंड यूट्यूब चैनल ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे एक ईमेल आईडी की आपको ऐसे जरूरत पड़ेगा। आपके YouTube चैनल में आपका पहले से अगर ईमेल आईडी लॉगिन है, आज से पुराना बहुत पुराना ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल आईडी को आप यूज मत करना अपने YouTube चैनल में ऐसे बनाने के लिए, क्योंकि पुराने YouTube ईमेल आईडी से मैं देखा हूं कि बूस्ट जल्दी नहीं मिलता है चैनल के ऊपर। तो ये कैसे नया ईमेल आईडी आप लोग ऐसे क्रिएट कर लेना, तो बहुत ही आसान तरीके से ईमेल आईडी ऐसे क्रिएट आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल से एक ईमेल आईडी बना लेने के बाद आप ऐसे उस ईमेल आईडी को अपने फोन में ऐसे लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, अपना ऐसे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब देखिए यहां पे आप लोगों को यहां पे जैसे ओपन करोगे कॉर्नर में आपको यू वाला आइकन आपको ऐसे दिखेगा। सिंपल से आप लोगों को उस पर आपको ऐसे टैप करना है। अब जैसे टैप करोगे अब आप लोगों को क्या होगा, ऊपर में आप लोगों से देख रहे हो कि यहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका ऊपर में एक लोगो बड़ा सा आएगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ इस तरह से आपका ऐसा खुल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहां पे आपको पहले से अगर ईमेल आईडी बनाया होगा तो नाम जो पूछता है वही नाम यहां पे ऐसे रहता है, तो उस नेम को आप लोगों को हटा लेना है। यहां पे देख सकते हो मैं ऐसे हटा लिया हूं। अब देखिए फ्रेंड यहां पे अब आपको ऐसे जो अपना यूट्यूब चैनल का ऐसे नेम रखना चाहते हो वो आपको ऐसे यहां पे रख सकते हो, लेकिन यहां पे ध्यान में रखना फ्रेंड कि जो आप यहां पे नेम रख रहे हो इस नेम से यूट्यूब पर पहले से कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप खुद सोचो कि यूट्यूब चैनल ऐसे सर्च करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल ऐसे के नेम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे ऑलरेडी बना हुआ है, तो वैसे YouTube चैनल का नाम कभी भी मत रखना जो आपका नेम से पहले से YouTube चैनल ऐसे क्रिएट किया गया। आपको ऐसे डिफरेंट रखना है जो सिर्फ आप ही के नेम का, आप ही का ही सिर्फ एक YouTube चैनल ऐसे हो, तो ध्यान में आप लोग ऐसे रखना। अब देखिए फ्रेंड यहां पे मैं पहले से अपना ऐसे YouTube चैनल का ऐसे नेम ऐसे पहले से ऐसे सोच रखा था जो इस नेम से ऐसे YouTube चैनल ऐसे नहीं था, तो यहां पे मैं अपना ऐसे YouTube चैनल का ऐसे टट्टू टेक ऐसे मोबाइल ऐसे रख देता हूं। तो यहां पे देख सकते हो टट्टू टेक मोबाइल ऐसे मैं अपना YouTube चैनल का नाम रख दिया हूं, और ऊपर में जो आपको सेव का बटन दे रहा होगा सिंपल से आपको ऐसे सेव आपको ऐसे कर लेना है। अब सेव कर लोगे आपके पास यहां पे आ जाएगा, अब देख सकते हो नीचे आपको ऑटोमेटिक आपका ऐसे हैंडल आपका ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या है वो आपको आगे आपको ऐसे बताएंगे। अब देखिए फ्रेंड अगर आप अपने फोटो के लगाना चाहते हो, अपने YouTube चैनल पे लोगो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, तो ऊपर में जो आपको पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा सिंपल से आपको ऐसे पिक्चर के ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड यहां पे आप मैं एक फोटो ऑलरेडी पहले से रखा हूं तो मुझे ये फोटो को लगाना है, तो सिंपल से मैं यहां पे ऐसे एक फोटो को ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके और यहां पे मैं ऐसे क्या करता हूं यहां पे ऐसे लगा देता हूं, तो कुछ इस तरह से हम आप लोगों से देख सकते हो हमारा यहां पे ऐसे फोटो ऐसे लग चुका है। अब देखिए फ्रेंड यहां पे जो आप लोगों को देख सकते हो यहां पे क्रिएट के नीचे चैनल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से हम लोगों को ऐसे क्रिएट चैनल के ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड अब हमारा एक YouTube चैनल ऐसे बन के रहकर रेडी हो चुका है। अब आगे का सेटिंग कैसे करना है वो आपको ऐसे बताते हैं, बहुत ही आसान है आगे का सेटिंग। अब देखिए फ्रेंड यहां पे आप लोगों को एक प्लस का आपको आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल से आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे ऐसे क्रिएट का ऑप्शन आपको देगा, तो सिंपल से आपको ऐसे क्रिएट आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक क्रिएट करोगे तो यहां पे आपको अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपलोड वीडियो पे आपको ऐसे क्लिक करना है। अब यहां से मैं अपलोड वीडियो पे क्यों क्लिक करा रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। तो यहां पे जैसे क्लिक करोगे अब आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी पहले से आपको ऐसे एक बना के आपको ऐसे रखना है, या फिर पहले से आपको एक वीडियो आपको ऐसे क्रिएट करके ऐसे रखना है, चाहे 10 मिनट के रखो, 5 मिनट के रखो, 2 मिनट के रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक वीडियो आप ऐसे बना के रख लेना, और सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, और यहां पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा,
अब आप लोगों को यहां पे नेक्स्ट आपको ऐसे कर देना है। अब नेक्स्ट करोगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले नीचे आप लोगों को एक वीडियो आपको यहां पे दिख रहा होगा पब्लिक का, यहां पे देख सकते हो पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है। तो वीडियो आप लोगों से पब्लिक डायरेक्ट अपलोड कर दोगे यहां से तो आपका पब्लिक हो जाएगा वो। तो इसलिए पहले सबसे पहले वीडियो को आपको अनलिस्ट आपको करना है। तो यहां पे जो अनलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है सिंपल से हम लोगों को क्या करना है, अनलिस्ट पे क्लिक करके अनलिस्ट हमको कर देना है। जैसे क्लिक करोगे और आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे क्रिएट अ टाइटल जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले जो भी आप जिसके रिलेटेड वीडियो को बनाया हो उस टाइटल को आपको ऐसे यहां पे ऐसे रख लेना है। तो चलिए यहां पे मैं अपना ऐसे टाइटल ऐसे रख लिया हूं। अब यही टाइटल आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको ऐसे ऐड डिस्क्रिप्शन नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल से आपको उस पर टैप करोगे और यही टाइटल को आपको ऐसे ऐड डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसको ऐसे ऐड आपको ऐसे कर देना है। अब क्यों अभी करवा रहा हूं आप लोगों को ध्यान से सुनना, जो आप लोग बड़ा बड़ा सेटिंग जो करते हो ना यहीं से सब चीज आपको सेटिंग आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहां पे आप लोगों को नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल से ऊपर में जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिंपल से नेक्स्ट करना है। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पे नो इट इज नॉट मेड फॉर किड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आपके वीडियो बच्चों के लिए है तो आप ऊपर में सिलेक्ट करना, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो आप लोगों का नो इट इज नॉट मेड फॉर किड का ऑप्शन आएगा। सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फिर अब आपका वीडियो ऐसे यहां पे ऐसे आपका ऐसे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो ऐसे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस वीडियो को हम लोग ऐसे अपलोड होने देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको ए टू जेड आपको ऐसे समझाऊंगा अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पर। अब वीडियो अपलोड हो जाने के बाद अब हम लोगों को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है YT स्टूडियो। तो फ्रेंड YT स्टूडियो आप पूरा ऐसे यूट्यूब का जितने भी आपको ऐसे सब सिस्टम होते हैं सब इसी से ऐसे कंट्रोल होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप थंबनेल लगा सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख सकते हो, सब चीज ऐसे कर सकते हो और साथ ही में आगे का जो सेटिंग होने वाला है इसी में आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो। आपको क्रोम ब्राउजर से ऐसे सेटिंग करने की बिल्कुल भी ऐसे जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे आपको ऐसे बताते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप लोगों से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप जिस नेम से यानी कि जिस ईमेल आईडी से आप ऐसे यूट्यूब चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी से इसको ऐसे लॉगिन आप लोगों से कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे कुछ इस तरह से आपका ऐसे चैनल ऐसे यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहां पे आपने ऐसे वीडियो को अपलोड किया है, यहां पे नीचे में कंट्रोल का ऑप्शन आएगा, तो यहां पे कंटेंट का ऑप्शन आएगा। सिंपल से हम लोगों को ऐसे कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो वीडियो हमने अपलोड किया है वो वीडियो यहां पे ऐसे आ जाएगा। सिंपल से क्या करना है उस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे अब आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऊपर में एक पेंसिल के ऑप्शन आएगा, हम लोगों को सिंपल से पेंसिल का ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐसे पेंसिल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पे छोटा सा आपको गैलरी का ऐसा लोगो आपको ऐसे दे रहा होगा, तो सिंपल से गैलरी वगैरह जो लोगो है उस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपको एक नीचे में आ जाएगा ऑप्शन कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आएगा। अब देखिए फ्रेंड अगर आपका यूट्यूब चैनल ऐसे वेरीफाई होता है तो आप कस्टम थंबनेल पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी आपका मोबाइल में जितने भी आपका थंबनेल बना कर रखे होगे सब आपका ऐसा शो हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को कस्टम थंबनेल पे क्लिक करोगे तो हम लोगों को ऐसे वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने नंबर से ऐसे चैनल को ऐसे वेरीफाई ऐसे करना होगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको ऐसे बताते हैं। सिंपल से क्या करना है, वेरीफाई योर फोन नंबर जो आपको नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है सिंपल से वेरीफाई के ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड अब आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहां पे आप लोगों को नंबर डालना है जो भी आप जिस नंबर से भी वेरीफाई करना चाहते हो डाल देना है। सिंपल से डाल देना है और नीचे में एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट और कॉल, यानी आप ऐसे कॉल के थ्रू मंगाना चाहते हो टेक्स्ट के थ्रू मंगाना चाहते हो जो आप ऐसे करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे मैं टेक्स्ट मी का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे में आप लोगों के यहां पे देख सकते हो एक ऑप्शन आपको ऐसे दे रहा होगा, यहां पे गेट कोड का ऑप्शन आ होगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करना है गेट कोड पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड अब जिस नंबर से आप ऐसे यहां पे डाले हो उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। जी आप ओटीपी जाएगा तो आपको ऐसे यहां पर ऐसे डाल देना है। तो चलिए यहां पे मैं पहले ऐसे डाल देता हूं। अब देखिए फ्रेंड मैं यहां पे ऐसे नंबर डाल दिया और यहां पे मेरा जो चैनल है फोन नंबर इज वेरीफाइड लिख किया, यानी कि मेरा ऐसे फोन नंबर जो भी है इसमें ऐसे वेरीफाइड कर दिया गया। अब हम ऐसे थंबनेल ऐसे यहां से ऐसे लगा सकते हैं फ्रेंड। तो अब आगे का सेटिंग है वो आपको ऐसे बताते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, जहां पर आपका यूट्यूब चैनल ऐसे वेरीफाई करने के लिए आपके फेस के साथ आपका यूट्यूब चैनल ऐसे वेरीफाई होगा। इसके बिना आप अपने ऐसे डिस्क्रिप्शन में अपने ऐसे जो भी होता है लिंक उंक ऐसे कहीं भी ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं लगा सकते हो, और इसके बिना आपका यूट्यूब चैनल भी ऐसे जल्दी ऐसे ग्रो नहीं होता है। तो आपका यूट्यूब चैनल ऐसे जल्दी ग्रो करना है तो आप इस सेटिंग को आपको ऐसे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप अपने ऐसे जो भी मैंने वीडियो अपलोड करवाया था उस वीडियो को आपको ऐसे ओपन कर देना है। अब क्यों अपलोड मैं करवाया था उस टाइम वीडियो अभी आपको ऐसे पता चलेगा। यहीं से आप ऐसे सब रात चीज है सेटिंग ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप ऐसे उस वीडियो को ऐसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब उसको ऐसे डिस्क्रिप्शन में अंदर जाना। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहां पे मैं ऐसे पहले जो इसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो पहले ऐसे डाल देता हूं, ठीक है। तो कीवर्ड मैंने ऐसे कुछ इस तरह से यहां पे ऐसे आप लोगों से देख सकते हो मैंने डाल दिया हूं। अब आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी एक ऐसे लिंक आपको यहां पे ऐसे डालना है, कोई भी ऐसे लिंक। जैसे मैं यहां पे ऐसे डाल देता हूं अपना ऐसे इंस्टाग्राम का ऐसे लिंक। सबसे पहले मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं, तो यहां से इंस्टाग्राम का लिंक ऐसे मैं कॉपी कर लिया हूं, और कॉपी करने के बाद यहां पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो ऊपर आप लोग ऐसे देख सकते हो हमारा ऐसे क्या ऑप्शन आ रहा है कि यहां पे ऐसे मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल ऐसे वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहीं से ऐसे वेरीफाई ऐसे कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब सिंपल से क्या करना है कि यहां पे वेरीफाई के ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक करते हैं फ्रेंड, अब आप लोगों को यहां पे ऐसे वन टाइम वेरिफिकेशन नीडेड का ऑप्शन आ रहा है। नीचे देख सकते हो आप कैसे कैसे ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, आपको यहां से समझा देता हूं। सबसे पहले आप ऐसे यूज वीडियो वेरिफिकेशन, आप वीडियो बनाकर वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हो अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद यूजर योर वैलिड आईडी, कोई भी आप ऐसे गवर्नमेंट आईडी ऐसे लगाकर जो वैलिड है वो आप ऐसे करके भी आप वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हो। नहीं तो यहां पे देख सकते हो बिल्ड चैनल हिस्ट्री, यानी कि आप ऐसे वीडियो अपलोड करते जाओ यूट्यूब ऐसे करीब ऐसे यहां पे 2 महीने आपको ऐसे लेगा और आपका ऑटोमेटिक आपका ऐसे चैनल को ऐसे वेरीफाई कर देगा। तो आप ऐसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से यही होता है कि आप फेस के साथ ही आप ऐसे अपना ऐसे एक वीडियो बनाकर इसको ऐसे अपलोड कर दो, आपका ऐसे चैनल वेरीफाई हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे वेरीफाई करना, वो आपको ऐसे समझ लेना। अब सबसे पहले वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि यूज वीडियो वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर में आप लोगों को ऐसे एक टैप कर देना और नीचे आपको ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल से ऐसे नेक्स्ट हम लोगों को ऐसे कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद अब आप लोगों को देख सकते हो फ्रेंड यहां पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आपको ऐसे ऊपर करना है, और ऊपर करने के बाद यहां पे आप लोगों को एक टिक लगाने का ऑप्शन आएगा। सिंपल से आप लोगों को टिक लगा देना है और आई एग्री का ऑप्शन है जो मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। अब यहां पे आप लोगों को पढ़ लेना कि हम लोगों को आगे किस तरह का वीडियो ऐसे हम लोगों को ऐसे बनाना है। यहां पे देख सकते हो होल्ड योर फोन एट आईज लेवल, यहां पे आप लोगों को देख सकते हो कैसे कैसे क्या करना है वो आपको ऐसे बता देगा। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको बताता हूं आगे। सिंपल से अब आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर करना, और ऊपर करने के बाद यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल से हम लोगों को ऐसे नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे फ्रेंड अब आप लोगों को यहां पे अलाउ का ऑप्शन आएगा। सिंपल से अलाउ कर देना है और यहां पे ऐसे कुछ इस तरह से आपका कैमरा ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि कैमरा ओपन हो जाने के बाद आपको लेफ्ट और राइट ऊपर और नीचे करके एक ऐसे वीडियो ऐसे अच्छे तरह से ऐसे बना लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ऐसे यहां पे जो वीडियो है आपका ऐसे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आप लोगों से देख सकते हो कि हमारा वीडियो ऐसे अपलोडिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिखेगा अपलोडिंग योर वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा यहां पे देख सकते हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना, आपका वीडियो यहां पे अपलोड होगा, आपको कैंसिल नहीं करना यहां पे, तो ध्यान में आप लोगों से रखना। जब आपका ऐसे वीडियो अपलोड हो जाएगा यहां पे आप लोगों को ऑप्शन यहां पे दे देगा, यहां पे देख सकते हो थैंक्स फॉर यहां पे सबमिटेड योर वीडियो वेरिफिकेशन गूगल नाउ नीडेड टू व्यू योर वीडियो जो यूजुअली टेकन 24 आवर्स, यानी कि आपको 24 घंटा आपको ऐसे लगेगा आपको ऐसे वेरिफिकेशन ऐसे होने में। तो आप लोगों से वेट कर लेना, आपको मेल के थ्रू ऐसे बता दिया जाएगा कि आपका ऐसे सक्सेसफुल हो चुका है। तो आई होप आपको ऐसे समझ आया हो रहा होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दे, अभी लाइक नहीं किया है तो आगे के सेटिंग अब आपको ऐसे बताते हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके चैनल के लिए, तो ध्यान से आप लोगों ऐसे देखना हो। अब सबसे पहले अब आप लोगों को ऐसे गूगल में आपको ऐसे चले जाना है। गूगल में जाने के बाद यहां पे आप लोगों को सर्च कर लेना है YT स्टूडियो, यहां पे ऐसे लॉगिन लिख के आपको ऐसे सर्च कर लेना है। तो यहां पे जैसे मैं YT स्टूडियो ऐसे लॉगिन लिख कर ऐसे सर्च करता हूं तो यहां पे देख सकते हो ऊपर में आपको ऐसे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। सिंपल से आपको ऐसे लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप तो रीडायरेक्ट आपको ऐसे यहां पे ऐसे स्टूडियो आपको ऐसे खुल जाएगा आपका ऐसे गूगल में, तो कुछ इस तरह से आपको खुल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आपको ऐसे जूम करना है और जूम करके आप लोगों को ऐसे नीचे में आपको आना है।
तो आप लोगों को एक सेटिंग आपको ऐसे मिलेगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, उस सेटिंग के ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, अब आप लोगों को यहाँ पे एक सेटिंग खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जनरल और नीचे चैनल के ऑप्शन आएगा। तो सिंपल से हम लोगों को क्या करना है कि चैनल का जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से हम लोगों को चैनल के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐसे देगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस की के ऑप्शन आएगा, कंट्री ऑफ रेसिडेंस। यहाँ में आपको ऐसे जो भी कंट्री है आपका, वो आपको ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास इंडिया है, तो हम लोग छोटा सा ऐसे पे जो एरो दिया है उस पर क्लिक करके हम लोगों का इंडिया है से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से आप वीडियो को देख रहे हो और जहां से आप रहते हो, तो वहां से आप ऐसे उसका कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिया हूं, तो अपना देश प्यारा इंडिया है, तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पे आप लोगों से देख सकते हो कीवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पे ऐसे कीवर्ड। अब देखिए फ्रेंड, आप जो चैनल बनाए हो, अभी आप सर्च करोगे तो आपका YouTube चैनल ऐसे सर्च में नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड, सर्च में नहीं आएगा। तो सर्च में लाने के लिए आप अपने YouTube चैनल का नेम यहां पे ऐसे डालना होगा। जैसे आप टैग लगाते हो, तो यहां पे देख सकते हो कैसे, मैं अब बताता हूं आपको। तो कुछ इस तरह से आपको, जैसे मैं टट्टू टेक मोबाइल लिखता हूं, फिर उसके बाद बड़ा में टट्टू टेक लिखता हूं, इस तरह से दो तीन चार आप ऐसे अपने यूट्यूब चैनल का ऐसे नेम आपको ऐसे डाल देना है। और यहाँ पे आप लोगों को उन यूट्यूबर को टारगेट करना है जिसके रिलेटेड आप ऐसे वीडियो को बनाते हो। जी आप फ्रेंड, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे जैसा टेक्निकल का वीडियो आप ऐसे बनाते हो, तो आप मुझे भी टैग कर सकते हो। जैसे मनोज दे बनाते हैं, तो मनोज दे के भी टैग कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसे यहाँ पे ऐसे उनका ऐसे चैनल को ऐसे एक तरह से टैग ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से डाल के अब आप लोगों को कुछ इस तरह से देख सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे भर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे में आप आना है, एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल से आप लोगों को ऐसे सेव कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको ऐसे सारा ए टू जेड आपका ऐसे YouTube चैनल ऐसे बन के कंप्लीट हो चुका है, सारा सेटिंग ऐसे हो चुका है। अब अभी कुछ भी अभी आपको सेटिंग नहीं करना है। अब आपको ऐसे जो भी सेटिंग होगा, अब आपका यूट्यूब चैनल ऐसे मोनेटाइज होगा, तब आपका ऐसे सेटिंग होगा। तो आई होप आप लोग ए टू जेड अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बस कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, कोई भी प्रॉब्लम कॉमेंट करें, 100% आपको ऐसे रिप्लाई मिलेगा मेरे तरफ से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।